अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आवाज आ रही है? आवाज साफ आ रही है तो क्लास शुरू करें, बता दें जरा। हाँ बेटा आवाज क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा शुरू करते हैं क्लास। अच्छा, कल हमने जहाँ क्लास ऑफ की थी तो हम कल पढ़ रहे थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कल पढ़ा था एक केल्विन स्टेटमेंट और एक हमने पढ़ा था क्लॉसियस स्टेटमेंट। और जब हमने क्लास एंड की थी तो हमने कहा था कि हम अगली क्लास में यहाँ से बात शुरू करेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है जी। अच्छा देखो, केल्विन स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था कि जी दुनिया में कोई ऐसा हीट इंजन नहीं बनाया जा सकता जो कि सोर्स से एब्जॉर्ब होने वाली सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे और सिंक की तरफ कोई लॉस ना करता हो। ये हमने केल्विन स्टेटमेंट में पढ़ा था। और क्लॉसियस स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था कि जी हीट का जो नेचुरल फ्लो होता है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ होता है, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें, यानी हम ये चाहें कि हीट बजाय गर्म चीज से ठंडी की तरफ जाए, हम चाहें कि हीट कोल्ड से हॉट की तरफ जाने लगे, ठंडी चीज से गर्म चीज की तरफ जाने लगे, तो इस प्रोसेस को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। और इसके परफॉर्म करने के लिए लाजमी तौर पर हमें एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, बगैर एनर्जी खर्च किए ये नहीं हो सकता। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं बज़ाहिर एक दूसरे से अलग अलग लगते हैं, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या होगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास में देखो, हम बात यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरी स्लाइड को पहले आपने समझना है, उसके बाद फिर आप इसको नोट करेंगे, लेकिन इसका समझना बहुत ज़रूरी है, पहले आप इसको समझ लें, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें हमने यहाँ पे कहा है कि जी बोथ स्टेटमेंट्स लुक डिफरेंट, बज़ाहिर तो दोनों अलग अलग लगते हैं, ठीक है जी। बोथ स्टेटमेंट्स लुक डिफरेंट, बज़ाहिर तो अलग अलग लगते हैं बट स्ट्रॉन्गली रिलेटेड, या आपस में स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, केल्विन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम कुछ देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि केल्विन स्टेटमेंट फॉल्स है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? एंड वी कैन मेक अ हीट इंजन विच कैन कन्वर्ट ऑल द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स इनटू वर्क विदाउट एनी लॉस इनटू सिंक। यानी हम कुछ देर के लिए अज्यूम करते हैं कि भाई केल्विन स्टेटमेंट फॉल्स है और हम एक ऐसा हीट इंजन बना सकते हैं जो कि सोर्स से एब्जॉर्ब होने वाली सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा और कोई लॉस सिंक की तरफ नहीं करेगा। अगर हम ऐसा हीट इंजन बना लें तो उसको बोला जाएगा परफेक्ट हीट इंजन, जो कि बन नहीं सकता, लेकिन हम कुछ देर के लिए अज्यूम करते हैं कि केल्विन स्टेटमेंट फॉल्स है और हम ऐसा हीट इंजन बना सकते हैं। अब ऐसे परफेक्ट हीट इंजन को अगर हम कनेक्ट कर दें, इफ सच परफेक्ट हीट इंजन इज कनेक्टेड विद अ रेफ्रिजरेटर, देन इट विल यूज दिस वर्क डन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट एंड प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन विल बी अकर्ड विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी अगर हम ऐसे परफेक्ट हीट इंजन को किसी रेफ्रिजरेटर के साथ कनेक्ट कर दें तो रेफ्रिजरेटर उसके वर्क डन को इस्तेमाल करेगा और हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट की तरफ भेज देगा बगैर किसी एनर्जी के खर्चे के, जिसका मतलब ये होगा दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स टू, जिसका मतलब ये होगा कि क्लॉसियस स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो जब हमने कुछ देर के लिए केल्विन स्टेटमेंट को फॉल्स अज्यूम किया तो उसकी वजह से क्लॉसियस स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मौजूद है। इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अब ये हो कैसे रहा है, इसको जरा नीचे के फ्लो से समझते हैं, फिर सारी बात आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने क्या शुरू किया, देखिए एक सोर्स है, इसका टेम्परेचर T1 है, दूसरी कोल्ड बॉडी है, सिंक है, इसका टेम्परेचर T2 है, और इन दोनों के बीच में हमने एक लगाया परफेक्ट हीट इंजन और उसको कनेक्ट कर दिया एक रेफ्रिजरेटर के साथ। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इस परफेक्ट हीट इंजन ने सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब की, देखिए ये Q1 हीट है, ये इस परफेक्ट हीट इंजन ने सोर्स से ली और आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया, इसने देखें इस सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। आप देख रहे हैं कि डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 और आप देखिए कि सिंक की तरफ इसका कोई लॉस नहीं है, ठीक है।
यानी हमने कुछ देर के लिए हमने केल्विन स्टेटमेंट को फॉल्स अज्यूम किया, ठीक है जी। अच्छा, कोई दो लोग मुझे कह रहे हैं कि वॉइस प्रॉब्लम, शाहजेब और कोई कह रहा है आवाज स्लो आ रही है। अब मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ, अब बताएं अब आवाज सही आ रही है। बिलाल कह रहा है सही आ रही है, और हसान कह रहा है प्रॉब्लम है, ताबिश कह रहा है सही है, शहीर कह रहा है सही है, और बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं। एक दो लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम है, बाकी कह रहे हैं ओके है। अब सही हो गई, हसान कह रहा है अब सही हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, अब सब कह रहे हैं सही है, ठीक है जी ओके। तो अब मैं ये कह रहा था कि हमने कहा भाई कुछ देर के लिए हमने कहा कि भाई केल्विन स्टेटमेंट फॉल्स है, और हमने एक ऐसा हीट इंजन बना लिया जिसने सोर्स से अब्जॉर्ब होने वाली सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया। आप देख रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन, और उसने सिंक की तरफ कोई भी लॉस नहीं किया, विदाउट एनी लॉस उसने जितनी क्यू वन हीट एब्जॉर्ब की उस सारी को उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और उसने ये वर्क दे दिया रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर ने इस वर्क को यूज किया, और आप देखें सिंक से इसने देखिए Q2 एनर्जी उठाई और इस Q1 और Q2 को मिलाकर बगैर किसी लॉस के इसने सोर्स की तरफ भेज दिया। अब आप देखें क्या हुआ ये कि कुछ एनर्जी जो कि Q2 है वो सिंक से सोर्स की तरफ ट्रांसफर हो गई। कुछ एनर्जी जो कि Q2 है वो सिंक से सोर्स की तरफ, देखिए ये Q2 सिंक से सोर्स की तरफ ट्रांसफर हो गई बगैर किसी एनर्जी के खर्च के। क्यों? इसलिए कि सोर्स से जो एनर्जी आई थी Q1 वो सारी वर्क में कन्वर्ट हुई, और रेफ्रिजरेटर ने उसको इसके साथ मिला के यहाँ भेज दिया। तो आप देखें कि सोर्स से जो एनर्जी निकली थी Q1 वो उसको वापस मिल गई, सही है, और सिंक से कुछ एनर्जी Q2 जो है वो सिंक से सोर्स की तरफ चली गई। इसका मतलब है कि बगैर किसी एनर्जी के खर्च के, बगैर कोई एनर्जी खर्च किए क्या हुआ, बगैर एनर्जी खर्च किए कुछ हीट जो है वो सिंक से सोर्स की तरफ चली गई। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करें कि केल्विन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होता, अगर केल्विन स्टेटमेंट ट्रू होता फिर क्या होता, फिर ये होता कि जो एनर्जी Q1 आई है सोर्स से हीट इंजन की तरफ वो सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ थोड़ा बहुत सिंक की तरफ लॉस होता। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि जितनी हीट Q1 आती हीट इंजन में सोर्स से, हो सकता है कि फर्ज कर ले कि ये 5 जूल यहाँ पर सिंक में लॉस करता, फिर बाकी इसको मिल जाती और ये यहाँ से हीट को उठा के इधर दे देता। उस वक्त हम ये कहते कि भाई सिंक से जो हीट सोर्स की तरफ जा रही है तो वो कैसे जा रही है कि 5 जूल एनर्जी का खर्चा हो रहा है या 5 जूल एनर्जी जाया हो रही है, तो फिर ये होता कि केल्विन स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाता, ट्रू हो जाता, केल्विन स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता कि भाई जितनी एनर्जी सोर्स से आई वो सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई बल्कि कुछ सिंक की तरफ ट्रांसफर हो गई। और क्लॉसियस स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता कि भाई हीट जो है, ये कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, अच्छा कोई कह रहा है कि सर लेकिन प्रिंसिपल में तो ये है कि विदाउट लॉस नो इंजन कैन वर्क। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। शाहजीब कह रहा है समझ नहीं आ रहा, और हसान कह रहा है चेक करें आवाज प्रॉब्लम। बताएं भाई, पहले तो एक बात बताएं कि आवाज का मसला है या समझ का मसला है, समझ में नहीं आ रहा या आवाज नहीं आ रही, ये बताएं दोनों में से मसला क्या है। हाँ जी, मेरे पास सही आ रही है, बिलाल कह रहा है मेरे पास सही आ रही है, और हसान कह रहा है कि आवाज की वजह से समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो मिला जुला मसला है। समझ कम आ रहा है किसकी वजह से, कोई कह रहा है सही आ रही है आवाज, मेरे पास कट हो रही है आवाज, मिली जुली है भाई, मैं अपने पास चेक करवाता हूँ, थोड़ा चेक करवा ले, हम चेक करवाते हैं अपने एंड में, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर अमीन ने एक सवाल किया था, अब अमीन के सवाल की तरफ जाता हूँ। अमीन ने एक सवाल किया था मुझे, मैं जरा निकाल लूँ। हाँ, अमीन ने ये सवाल किया था कि सर लेकिन प्रिंसिपल में तो ये है कि विदाउट लॉस नो इंजन कैन वर्क। तो भाई अमीन, मैं यही बात समझा रहा हूँ कि केल्विन स्टेटमेंट यही है कि बगैर लॉस के कोई हीट इंजन काम नहीं कर सकता,
लेकिन मेरे भाई, मैं इतनी देर से ये समझा रहा हूँ कि हमने कुछ देर के लिए केल्विन स्टेटमेंट को फॉल्स अज्यूम कर लिया है, अज्यूम कर लिया है, कुछ देर के लिए हमने फर्ज कर लिया है कि केल्विन स्टेटमेंट फॉल्स है और हम कोई ऐसा इंजन बना सकते हैं जो कि सारी हीट को बगैर लॉस के वर्क में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा हमने फर्ज किया है। और ऐसा फर्ज करने से क्या हुआ, ऐसा फर्ज करने से ये हुआ कि रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है वो बगैर एनर्जी के हो गया। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, दोबारा तमाम लोग समझ लें, फिर समझ लें भाई मैं क्या समझा रहा हूँ कि कुछ देर के लिए अज्यूम कर लें कि केल्विन स्टेटमेंट फॉल्स है और जितनी हीट इंजन में आई हॉट बॉडी से सोर्स से वो सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई और सिंक की तरफ कोई लॉस नहीं है, कुछ देर के लिए अज्यूम कर लें कि केल्विन स्टेटमेंट फॉल्स है। और ये जो वर्क डन है ये रेफ्रिजरेटर को मिला, रेफ्रिजरेटर ने इस वर्क डन के जरिए सिंक से Q2 हीट ली और उसको सोर्स में भेज दिया इसके साथ मिला के। तो क्या हुआ कि हीट सिंक से सोर्स में चली गई, कुछ हीट जो कि Q2 है, वो हीट जो कि सिंक से सोर्स में गई है वो Q2 है और वो बगैर किसी एनर्जी लॉस के चली गई, क्योंकि यहाँ से जो Q1 आई थी वो दोबारा सोर्स को वापस मिल गई। तो इसका मतलब है कि जब हमने केल्विन स्टेटमेंट को, जब हमने, यार हमने अपने पास चेक किया भाई, यहाँ आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, हमने अपने एंड पे चेक कर लिया है। तो ये जो एक दो लोग कह रहे हैं कि आवाज सही नहीं आ रही, भाई आप अपने एंड पे वाईफाई चेक करें, सिग्नल चेक करें, हमने चेक किया, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है यार, हमने चेक कर लिया, ये आपके एंड पे इशू है, आप चेक करें, अपना नेट चेक करें, ठीक है। अच्छा तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि भाई बगैर एनर्जी के लॉस के ये Q1 जो है ये सोर्स को Q1 वापस मिल गया और यहाँ से जो Q2 हीट है वो ठंडी चीज से गर्म चीज की तरफ चली गई बगैर एनर्जी के फर्ज के। तो जब हमने केल्विन स्टेटमेंट को फॉल्स अज्यूम किया तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। अब दोबारा इस बात पे वापस आ जाए कि भाई केल्विन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इस बात पे वापस आ जाए। अच्छा तो अब हम ये कह रहे हैं कि दोबारा इस बात पे वापस आ जाएं कि भाई केल्विन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब अगर केल्विन स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये रेफ्रिजरेटर सोर्स से जितनी एनर्जी लेगा Q1 ये सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा बल्कि कुछ ये लॉस करेगा, किसकी तरफ, सिंक की तरफ, कोल्ड बॉडी की तरफ कुछ लॉस करेगा। अब मैं जैसे मिसाल दे रहा था कि फर्ज कर लें कि ये 5 जूल लॉस कर रहा है, अब 5 जूल इसने लॉस कर दी, अब बाकी इसने दे दी इसको रेफ्रिजरेटर को, रेफ्रिजरेटर ने ये यूज की और Q2 उठाया और यहाँ इसको पहुंचा दिया। अब उस वक्त ये होगा कि फिर हम ये कहेंगे कि रेफ्रिजरेटर जो सिंक से Q2 हीट लेकर सोर्स में भेज रहा है तो वो कैसे भेज रहा है कि 5 जूल एनर्जी जाया हो रही है, 5 जूल का लॉस हो रहा है। तो लॉस का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, तो फिर इसका मतलब है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा कि जी जो रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस है वो एनर्जी खर्च करके हो रहा है। तो इस फ्लो में ये समझाया गया है कि अगर हम कुछ देर के लिए केल्विन स्टेटमेंट को फॉल्स अज्यूम कर लें तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाता है, और अगर केल्विन स्टेटमेंट को ट्रू अज्यूम करते हैं तो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि मेरी बात समझ आई आप लोगों को। हाँ जी, आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, ठीक है जी, अब सब मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले प्लीज, ठीक है, थैंक यू, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो इसको जरा नोट करें, आपको मैं 3-4 मिनट दे रहा हूँ फटाफट।
हाँ बेटा किधर पहुंचे? यार ये ताहिर जो है, ओ भाई ताहिर तुम लोग आपस में मैसेज ना करो, ताहिर एक दूसरे से मैसेज कर रहे हो यार, फिर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना, फिर मैं जाके मैसेज में देखता हूँ, फिर पता चलता है आप आपस में मैसेज कर रहे हैं। प्लीज आपस में एक दूसरे को मैसेज ना करो बेटा, सिर्फ मुझे मैसेज करना है तो करो, आपस में बात बाद में कर लेना। कुछ लोग अभी कर रहे हैं, मैं रुका हूँ, 1 मिनट और ले लें आप, कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फ्लो वगैरह आपने सही से बनाना है, वर्डिंग सही से लिखनी है। ये जो मैंने फ्लो बनाया है ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपने। हाँ भाई कर लिया। ये शहीद कह रहा है एक बार डायग्राम समझा दें। क्यों भाई तुम लेट आए हो क्या, या तुम्हारा नेट डिस्कनेक्ट था, या तुम अभी आए हो? हाँ भाई शहीद तुम लेट आए हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दफा समझा चुका हूँ, नेट प्रॉब्लम कर रहा है। बेटा अब तुम जब ये लेक्चर अपलोड होगा फिर देखना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दफा बता चुका हूँ। ओके हाँ नहीं मैं समझता बेटा, कोई बात नहीं, अभी अपलोड होगा ना लेक्चर, फिर तुम देख लेना। हसन अकरम कह रहा है परफेक्ट हीट इंजन क्या है, तुम भी लेट आए हो? हाँ भाई हसन या हसान, हसान है, तुम पूछ रहे हो परफेक्ट हीट इंजन क्या है, तुम भी लेट आए हो? तो अभी तो मैंने बताया परफेक्ट हीट इंजन क्या है, फिर कैसे पूछा तुमने? मैंने बताया कि परफेक्ट हीट इंजन वो है जो कि केल्विन स्टेटमेंट को अगर फॉल्स अज्यूम किया जाए, और हम सपोज करें कि एक ऐसा हीट इंजन जो बन नहीं सकता, कुछ देर के लिए अज्यूम कर लें कि हम ऐसा हीट इंजन बना सकते हैं जो कि सारी हीट को बगैर लॉस के वर्क में कन्वर्ट कर लेगा, तो उसको परफेक्ट हीट इंजन कहा जाएगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं भाई। ठीक है जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कार्नो इंजन है। यहाँ मैंने आपके सामने लिखा हुआ, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आखिरी हिस्सा है, और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वैसे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा कार्नोट इंजन, लेकिन इसमें टी साइलेंट होता है, इसको कार्नो इंजन कहते हैं। अब जरा समझ लें कि ये क्या चीज है। देखिए जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई अगर हम ये कहें कि दुनिया का सबसे सिंपल, अगर हम ये कहें कि दुनिया का सबसे सिंपल हीट इंजन क्या है, तो दुनिया का जो सबसे सिंपल हीट इंजन है वो ये है कि गैस का एक सिलेंडर हो, उसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगा हो, और उसमें गैस की कुछ क्वांटिटी मौजूद हो, तो वो दुनिया का सबसे सिंपल हीट इंजन है। क्योंकि जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो पिस्टन ऊपर जाता है,
और हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था सैडी कार्लो, उसने एक सिंपल और आइडियल हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया जिसको स्टडी करके उसने ये बताया कि भाई हीट इंजन जब हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। अच्छा, कोई कह रहा है स्पीक लाउडली सर प्लीज। हाँ, मैं जोर से ही बोल रहा हूँ। तो सैडी कार्लो ने जो है एक सिंपल और आइडियल हीट इंजन का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उसने ये बताया कि एक सिंपल हीट इंजन हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करता है, और उस प्रोसेस को स्टडी करके फिर उसने हीट इंजन की एफिशिएंसी वगैरह मालूम की। तो अगर आप इसका बेसिक इंट्रो देखेंगे तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या नजर आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि टू डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ हीट इंटू वर्क, हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है इसको डिस्क्राइब करने के लिए अ फ्रेंच इंजीनियर सैडी कार्लो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंपल एंड आइडियल हीट इंजन। इट इज कॉल्ड कार्लो इंजन एंड इट वर्क्स इन साइक्लिक प्रोसेस विच इज कॉल्ड कार्लो साइकिल। तो जो कार्लो इंजन है वो साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है और उसके काम करने के तरीके को कार्लो साइकिल कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ, जैसा कि मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर हैविंग सम गैस अंडर मूवेबल पिस्टन। ये दरअसल एक गैस का सिलेंडर होता है जिसके अंदर कुछ गैस होती है और ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा होता है। द वॉल्स एंड पिस्टन आर परफेक्टली इंसुलेटेड। इसकी जो वॉल्स होती है और जो इसका पिस्टन होता है, ये वॉल्स और पिस्टन की साइड से परफेक्टली इंसुलेटेड होता है, यानी कोई हीट लीकेज नहीं होगी, यहाँ से ना कोई हीट बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। सिर्फ इसका जो बेस होता है, इसका जो बॉटम होता है, वो कंडक्टिव होता है, जो यहाँ मेंशन किया है, वेयर एज बेस इज कंडक्टिव। ठीक है जी, ये इसका इंट्रोडक्शन है। बाकी फिर ये है कि कार्नो साइकिल, हमसे वो पूछते हैं कि भाई आप ये बताएं कि कार्नो इंजन क्या है और कार्नो साइकिल के जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करें, फिर उससे उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालना होता है। तो ये जो कार्नो साइकिल है, ये यहाँ पे आपके सामने नीचे फिगर बनी हुई है, जो कार्नो साइकिल है इसका जो प्रोसेस है ये चार स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे कि यहाँ मेंशन किया है कि जी कार्नो साइकिल इट इज कंप्लीटेड इन गिवन फोर स्टेप्स। ये चार स्टेप हैं, 1, 2, 3 और 4, ये मिला के पूरा कार्नो साइकिल है। तो अब आपने करना क्या है कि मैं आपको 3-4 मिनट देता हूँ, आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करें, ये पूरी फिगर बना लें, फिर इसके बाद मैं आपको भी ये सारा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले आप यहाँ तक इसको बना लें। ठीक है, आपके पास 3 से 4 मिनट है, फिर मैं आपको ये सारा समझाता हूँ।
जैसे मैं जैसे आपकी ये तो चलते से आप क्या दशा लेते हैं या पहले आपने आपके लिए क्या किया ठीक है फिर आपने तो मैं क्या जैसा मुझे कोई इशू नहीं है आप जैसा कहीं चलो ठीक है फिर मुझे आप बता दीजिएगा तो सब काम हो जाएगा चलो हाँ भाई कर रहे हैं आप लोग काम कहाँ तक पहुंच गए हाँ भाई अगर कर रहे हैं तो आराम से करें अभी ठीक है एक दो मिनट और ले लें कर लें आप इसको एक दो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि कर लिया है लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं आपके पास एक से दो मिनट और है कर लें कंप्लीट ठीक है भाई अब ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि कर लिया है तो हम आगे चलते हैं अब आगे चलने के लिए मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है तो अब आप लोग समझने में ध्यान लग रहे हैं ठीक है जी अब रस्सा भी समझना शुरू करें देखो भाई यहाँ से ये स्टार्ट होता है कार्नो साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और इसके ये चार स्टेप अच्छा जी अब जरा समझे कि पहले स्टेप में क्या होता है जैसा कि मैं आपको पिछले टॉपिक्स में भी बता चुका हूँ कि जो मूवेबल पिस्टन होता है उसको किसी जगह रोकने के लिए उसके ऊपर कुछ वेट कुछ लोड रखा जाता है तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा यहाँ पर भी इसके ऊपर कुछ लोड रखा होगा लेकिन यहाँ हमने ये शो नहीं किया क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में लोड को कभी हटाना है कभी रखना है तो हमने शो नहीं किया हमने यहाँ लिख दिया है देखिए पहले और दूसरे स्टेप के सामने लिखा हुआ है कि लोड ऑन पिस्टन इज डिक्रीज्ड और तीसरे और चौथे स्टेप में लिखा हुआ है कि लोड ऑन पिस्टन इज इंक्रीज्ड तो ये हमने लिख के बता दिया है कि पहले और दूसरे स्टेप में पिस्टन पे लोड डिक्रीज किया है और तीसरे और चौथे स्टेप में जो पिस्टन पे लोड है उसको इंक्रीज किया है। अच्छा अब होता क्या है कि देखो पहले स्टेप में हम दो काम करते हैं गौर से समझेंगे पहले स्टेप में हम दो काम करते हैं एक तो हम ये करते हैं कि जो मिसाल के तौर पर फर्ज कर लो कि दो लोड रखे हुए तो एक हमने फर्ज कर लो हटा दिया तो एक तो हम ये करते हैं कि पिस्टन के ऊपर जो लोड है वो कम करते हैं और इसके साथ ही हम इसको उठा के एक सोर्स पे रख देते हैं अब जब दो काम एक साथ करते हैं तो क्या होता है लोड हटाने की वजह से ये पिस्टन ऊपर जाना शुरू करता है और गैस का वॉल्यूम जो इनिशियली V1 था वो इंक्रीज होने लगता है और गैस एक्सपेंड होती है जब गैस एक्सपेंड होती है मॉलिक्यूल्स पीछे हटते हैं तो मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ कोलिजन कम होता है और अंदर गैस की इंटरनल एनर्जी कम होने लगती है जिसकी वजह से अंदर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है लेकिन उसी वक्त ये जो सोर्स है ये Q1 हीट अंदर भेज देता है और वो जो अंदर एनर्जी कम हो रही होती है वो इस Q1 से पूरी हो जाती है तो इसलिए टेम्परेचर दोबारा कांस्टेंट हो जाता है तो ये जो पहला स्टेप होता है ये होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है इसलिए कि अंदर टेम्परेचर सेम चल रहा है तो जब टेम्परेचर सेम चल रहा है तो प्रोसेस आइसोथर्मल है और चूंकि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है गैस एक्सपेंड हो रही है तो एक्सपेंशन भी हो रहा है तो जो पहला स्टेप है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ठीक है जी। अच्छा अब क्या होता है कि कुछ देर के बाद हम इसको सेकंड स्टेप में शिफ्ट करते हैं और इस सिलेंडर को उठाकर हम एक इंसुलेटर पे रख देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर हम इसको यहीं पर रखा रहने देंगे तो फिर पिस्टन ऊपर ही चलता जाएगा हमें कहीं ना कहीं रोकना है तो हम सेकेंड स्टेप में शिफ्ट करते हैं और पिस्टन को उठा के इंसुलेटर पे रखते हैं तो
वो जो पिस्टन पहले स्टेप में ऊपर जा रहा था, जब सेकंड स्टेप में हम यहाँ रखते हैं तो वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है, और जहां पर उसको रुकना है वहां पर जाके वो रुक जाता है। तो इस तरह पहले स्टेप में वॉल्यूम होता है V1, और सेकंड स्टेप में ये फाइनल वॉल्यूम बढ़ के हो जाता है V2, जितना पिस्टन को जाना है वो जाके रुक जाएगा। अब सेकंड स्टेप है एडियाबेटिक, क्योंकि देखिए सेकंड स्टेप में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई हीट अंदर नहीं गई, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट लॉ में कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो उसको एडियाबेटिक कहते हैं। और चूंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है, बेटा कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, हो गया कनेक्ट दोबारा। बेटा कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जरा रिप्लाई कर दें। हाँ भाई, अब आवाज आ रही है भाई? अभी तो मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, अब आना शुरू हो गया। बेटा मैं कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा कनेक्ट हुआ हूं, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ भाई, कुछ आवाज आ रही है या नहीं आ रही? रिप्लाई तो नहीं आ रहा बच्चों का, दोबारा कनेक्ट करूं? अब कह रहे हैं यस सर। हाँ जी, कुछ आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज आनी शुरू हो गई? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो चंद सेकंड्स के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो हम जहां तक पहुंच गए थे हम वहां पे वापस आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था, अच्छा फिर ये अनस्टेबल हो रहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को स्लाइड भी क्लियर नजर आ रही है? हाँ भाई, स्लाइड क्लियर नजर आ रही है? स्लाइड क्लियर है ये भी बता दें मुझे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप एडियाबेटिक होता है। सेकंड स्टेप एडियाबेटिक इसलिए होता है कि सेकंड स्टेप में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, जिस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता वो प्रोसेस एडियाबेटिक होता है, तो सेकंड एडियाबेटिक है। लेकिन चूंकि पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया है इसलिए एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है जी। तो एडियाबेटिक है और एक्सपेंशन भी हो रहा है, इसलिए सेकंड स्टेप जो होगा वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। अब पहले स्टेप से लेके सेकंड स्टेप तक एक चेंज कंप्लीट हो गई। मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में हम किसी सिस्टम के अंदर कोई चेंज डेवलप करते हैं, फिर उस चेंज को वापस लेते हैं और सिस्टम दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशन पे आता है। तो देखिए पहले स्टेप से लेके सेकंड स्टेप तक चेंज कंप्लीट हो गया। अब हमें इस चेंज को वापस करना है और वो पिस्टन जो यहां से यहां पहुंच चुका है, वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, इसे वापस लाना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सिस्टम को ट्रांसफर करते हैं थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में हम फिर दो काम करते हैं। कौन से दो काम करते हैं? एक काम तो हम ये करते हैं कि हमने जो लोड कम किया था, यानी यहाँ पे दो लोड रखे हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे फर्स्ट कर लिया हमने एक हटा दिया, तो हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि वो लोड वापस रख देते हैं, ठीक है जी, वो लोड हम वापस रख देते हैं, लोड हम इंक्रीज करते हैं और इसके साथ इस सिस्टम को उठाकर एक सिंक पे रख देते हैं। ये दो काम हमने एक साथ किए। अब क्या होता है कि लोड बढ़ाने की वजह से ये जो पिस्टन है, जब इस पे लोड बढ़ता है तो पिस्टन नीचे चलना शुरू करता है, और पिस्टन के नीचे जाने की वजह से जब गैस कॉम्प्रेस होती है और ये मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं और इनका रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है, तो अंदर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब अंदर एनर्जी बढ़ना शुरू होती है तो अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त सिस्टम क्या करता है कि Q2 हीट सिंक में ट्रांसफर कर देता है। तो जब वो हीट सिंक में ट्रांसफर करता है तो अंदर जो एनर्जी बढ़ रही थी वो दोबारा कांस्टेंट हो जाती है और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। लिहाजा ये जो थर्ड स्टेप है ये होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल इसलिए होता है कि इसके दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है, और कंप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि पिस्टन नीचे आ रहा है, तो ये कंप्रेशन होता है, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है।
लेकिन अब होता क्या है कि जब ये पिस्टन नीचे आ रहा होता है तो हमें साइकिल कंप्लीट करना है, तो साइकिल कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि चौथे स्टेप में जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल पहले स्टेप के बराबर हो। तो जब ये पिस्टन नीचे आता है तो ये जो पहले स्टेप वाला वॉल्यूम है जब इससे हल्का सा ऊपर होता है तो हम इसको चौथे स्टेप पे ट्रांसफर करते हैं और उठा के इंसुलेटर पे रख देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको यहीं रखा रहने देंगे तो हो सकता है कि पिस्टन इस वॉल्यूम से भी नीचे चला जाए। तो जब हम इसको उठा के चौथे स्टेप में रखते हैं तो पिस्टन हल्का सा और नीचे आता है और चौथे स्टेप का जो वॉल्यूम होता है V4 वो बिल्कुल किसके इक्वल हो जाता है V1 के। तो इस तरह सिस्टम या सिलेंडर कह लें या कार्नो इंजन कह लें, ये अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है और यहाँ पर आके कार्नो साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, चौथे स्टेप में क्या हुआ है कि चौथे स्टेप में चूंकि आपने इंसुलेटर पे रखा है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई। जब हीट ट्रांसफर नहीं हुई तो चौथा स्टेप होता है एडियाबेटिक, और चूंकि पिस्टन हल्का सा नीचे आया है तो हल्का सा भी नीचे आएगा तो कंप्रेशन ही माना जाएगा, तो इसलिए जो चौथा स्टेप है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। तो इसके चार स्टेप में दो स्टेप जो शुरू वाले हैं ये एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। बाद वाले दो स्टेप कंप्रेशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, यह एडियाबेटिक कंप्रेशन है। अच्छा, इसका फिर एक कंप्लीट पूरे साइकिल का एक पीवी ग्राफ बनेगा, वो भी मैं आपको साथ साथ समझा, वो मैं यहाँ समझा दूँ, वो नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। अब वो देखें कैसे बनेगा, इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है। अब इसमें चार प्रोसेस हैं तो चार कर्व होंगे और वो चारों कर्व आपस में मिलेंगे। अब जैसे देखिए पहला स्टेप है, पहले स्टेप में पिस्टन ने ऊपर जाना शुरू किया मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो अंदर प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है जी, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, ये मुझे हसन कह रहा है कि एडियाबेटिक का क्या मतलब है यार, ऐसी बातें जो ना करूं, एडियाबेटिक प्रोसेस तो फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ के आयो। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, अब तुम कह रहे हो एडियाबेटिक का क्या मतलब है। अच्छा जी, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि पहले स्टेप में कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए देखो पहले स्टेप का कर्व ऐसा होगा, देखो ऐसे जाएगा और एरो जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। ये क्या बता रहा है कर्व कि भाई प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और पहला स्टेप स्टार्ट होगा 0.1 से और खत्म हो जाएगा 0.2 पे, ये कर्व हो गया पहले स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में पिस्टन और ऊपर गया, इसका मतलब है कि दूसरे स्टेप में वॉल्यूम और इंक्रीज हुआ तो प्रेशर अंदर और डिक्रीज हो गया होगा, तो दूसरे स्टेप का भी देखो कर्व ऐसे ही जाएगा, एक और आगे चला गया, यही नीचे एरो आएगा, ये 0.2 से 3 पे पहुंच गया। तो पहले और दूसरे स्टेप का कर्व दोनों नीचे की तरफ होंगे, यानी दोनों में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब तीसरे स्टेप में रिवर्स होगा, अब तीसरे स्टेप में जब पिस्टन ने नीचे आना शुरू किया तो गैस कंप्रेस हुई मतलब वॉल्यूम कम हुआ और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो तीसरे स्टेप का कर्व होगा वो नीचे नहीं जाएगा बल्कि वो यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, अब एरो ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो आप 0.3 से 4 पे पहुंच जाएंगे। और फिर चौथे स्टेप में पिस्टन हल्का सा और नीचे आएगा, यानी चौथे स्टेप में वॉल्यूम और कम होगा, प्रेशर अंदर और इंक्रीज हो जाएगा, तो चौथे का कर्व भी थर्ड की तरह होगा, वो दोबारा ऐसे जाएगा और 0.1 पर मिल जाएगा। तो 0.1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे और 4 से 1 पे वापस आ जाएंगे। तो ये कार्नो साइकिल कंप्लीट पीवी डायग्राम है, इसमें चार कर्व है, पहले और दूसरे स्टेप का कर्व नीचे की तरफ है क्योंकि दोनों में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और तीसरे और चौथे स्टेप का जो कर्व है वो ऊपर की तरफ है क्योंकि उन दोनों में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। अब ये जो मैंने आपको कंप्लीट समझाया है, अब आप देखें कि ये सारा नीचे मैंने सारा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखें ये फर्स्ट स्टेप है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड भी दिखाता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, उसके बाद आप ये देखिए ये सेकेंड स्टेप है, जो कुछ मैंने समझाया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेकेंड स्टेप है,
ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, फिर थर्ड स्टेप है ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप है ये एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, ठीक है जी। और फिर इसके बाद जो है वो इसकी पीवी डायग्राम बनी हुई है, ये कंप्लीट पीवी डायग्राम, ठीक है जी। यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगी कार्नो इंजन जो है, कार्नो इंजन जो है इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालना होगा, ठीक है, वो इसका आखिरी स्टेप होगा। यहाँ से मैं आपको कल बताऊंगा, हमारी कल की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये हम एफिशिएंसी इसकी कल निकालेंगे। अब आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में आपको यहाँ तक काम करना है, ठीक है, आज की क्लास में आपको यहाँ तक काम करना है, यानी ये पूरा आपको कर लेना है और इसका ये पीवी डायग्राम बना लेना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम कल करेंगे। तो अभी हमारे पास 6-7 मिनट है, तो अब मैं दोबारा पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ, पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से चलना है, यहाँ तक तो आप काम कर चुके हैं, यहाँ तक तो कर चुके हैं आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें, आप ये लिखें और इसके बाद मैं 1 मिनट दूंगा आपको ये लिखने के लिए, फिर मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊँगा, फिर आप अगली जो स्लाइड है वो सारा आपने काम करना है। कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, मैं बैठा हूँ आपके साथ, जब तक आप काम नहीं करेंगे मैं बैठा हूँ, नो स्क्रीनशॉट, आपने काम करना है, बाद में बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है जी, आपने बाद में बिल्कुल नहीं डालना। अच्छा, ये अब्दुल्ला कह रहा है सर पेपर में 4 स्टेप तक आता है, और क्या भाई, पूरा कार्नो साइकिल एक्सप्लेन करना है तो 4 स्टेप पूरे बताने होंगे आपको, ठीक है। आप काम करें, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, मैं बैठा हुआ हूँ, काम करें आप सब, काम करें। और अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, ये तो 2 लाइनें हैं, ये नोट कर लें फटाफट, ये नोट कर लें, तो मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, यहां से यहां तक आ जाए फौरन, ये 1 मिनट की बात है। शाजिब कह रहा है सर लेक्चर अपलोड कब तक होगा, आज का नेट चला गया था, मिस हो गया, ठीक है, लेक्चर अपलोड हो जाएगा। निसार साहब कब तक हो जाएगा, ठीक है जी, आप ठीक है जी, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो कह रहे हैं कि कल सुबह तक या दोपहर तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, जिनका निकल गया वो कल देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ भाई, मैं अगली स्लाइड पे जाऊं, कर लिया यहां तक काम, बताओ मुझे, नेक्स्ट स्लाइड लगा दूं भाई, वो कह रहा है नो, अबे भाई 2 लाइनें लिखने में तू कितनी देर लगा रहा है यार, 2 लाइनें लिखने में इतनी देर थोड़ी लगती है, मैं जा रहा हूं अगली स्लाइड पे, ठीक है, जल्दी करो, यहां तक तो तुम लोग ऑलरेडी बना चुके हो, यहां तक तो तुमने कर लिया था, अब तुम्हें ये करना है, उसके बाद अगली स्लाइड पे जाना है, यहां तक तो कर चुके हो, ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूं। ठीक है जी, अब करें आप ये काम, मैं बैठा हूँ आपके साथ, जब तक नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा।